मेन वर्क होगा, जैसे कि मान लीजिए कई बार आपको बोर्ड सपोज की रिपेयर होने के लिए बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया तो उसमें होता क्या है कि एक वीएस जो मॉस्फेट जैसे यूएसबी 5 वोल्ट उसमें जाता है अगर वो शॉर्ट होगा या एचडीडी या कोई भी अगर सेक्शन है 5 वोल्ट से रिलेटेड सेक्शन वो अगर शॉर्ट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई तो जाएगा फिर लेकिन आगे जाकर वो ट्रिप हो जाएगा, यानी क्योंकि ग्राउंड से ट्रिप कर रहे हो जिस वजह से बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगा, डेड का भी प्रॉब्लम आ सकता है या रिस्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा जिस वजह से बोर्ड आपका बंद ऑन होगा लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बंद होगा। बोर्ड कई बार क्या होता है कि बोर्ड में जो आपका लेवल होता है ये भी होता है, जैसे कि आरटीसी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग आरटीसी सप्लाई जो होता है आपके पास आरटीसी को चेक करते हैं। देन दूसरा जो होता है 19 वोल्ट की सप्लाई बनता है, जो पावर सीक्वेंस की बात करें आरटीसी सेल की सप्लाई बनता है पहले। देन दूसरा जब एडेप्टर लगाते हैं कोई चीज लगाते हैं तो 19 वोल्ट की सप्लाई बनता है। देन उसके बाद जो होता है 3-5 की सप्लाई बनता है, 3-5 की सप्लाई बनने के बाद फिर आयो का प्रोसेस जो होता है वो सारी चीज़ें क्लियर होता है जो आयो में मैं आपको बताऊंगा। देन जब बोर्ड को आप ट्रिगर करते हैं, बोर्ड को जैसे आप ट्रिगर करते हैं फिर क्या होता है एक सस्पी के नाम से या सस ऑन के नाम से इनेबल सिग्नल जनरेट होता है जो सभी जो वीएस होता है या आईसी होता है उन सभी को ये सिग्नल जाता है जिस वजह से आपका बोर्ड क्या होता है रन कर पाता है। अगर ये सस ऑन का या सस्पी का जो सिग्नल नहीं मिलता है या इसको बोल सकते हैं सस लेवल से जो स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड रन नहीं करेगा, रन नहीं करेगा तो बोर्ड ऑन नहीं होगा। जो हमारे पास जिस सीरीज का जो लैपटॉप है उसमें क्या हो रहा है कि इनेबल सिग्नल ही उसका ब्रेक हो जा रहा है, सस ऑन के नाम से इनेबल सिग्नल आता है जो वो सिग्नल आपका बन नहीं पाता है जिस वजह से वो बोर्ड ऑन नहीं, यानी वो सिग्नल जो आउट करता है वो कहाँ से आउट करता है वो आयो से आउट करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आयो तो स्टेप डाउन जो है अपना वो काम कर रहा है, स्टेप डाउन क्या कर रहा है अपना काम कर रहा है कि एलडीओ उसको पहुंचा रहा है बट लेकिन वहां से जो इनेबल सिग्नल का जो पिन है वो आउट नहीं कर रहा है तो एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे आईओ के पिन की, यानी आईओ की कितने नंबर पिन से वो सप्लाई आउट हुआ है उस पिन पे आप चेक करेंगे, यानी आयो के पिन पे अगर बन रहा होगा इस कंडीशन में और स्टेप डाउन के पिन पे नहीं बन रहा होगा इसका मतलब बीच का ट्रैक जिसके लॉस जिस वजह से वहां से वहां तक सप्लाई आपका नहीं, उस कंडीशन में आप जंपिंग करें, उस कंडीशन में क्या मिसिंग कंडीशन से जंपिंग होगा।